प्रभारी महासचिव श्री अविनाश पांडे जी ने दिशा निर्देश दिए हैं और सब लोग कांग्रेस नेताओं से कहा है कि वो किसी प्रकार का नकल बयानबाजी नहीं करें, और अगर कोई आपत्तिजनक बयान किया जाता है तो उससे पार्टी को नुकसान होता है, क्योंकि इस तरह के बयानों से भारतीय जनता पार्टी अन्य विपक्षी पार्टियां जो हैं वो हमारे प्रति मुद्दों को ढूंढ लेती हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, अराजकता उसने व्याप्त करे, उस सबसे ध्यान भटकाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इससे जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनका मनोबल बढ़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से बयानबाजी होती है तो उसका सीधा संज्ञान राष्ट्र नेतृत्व में, तो ऐसे में ऐसी बयानबाजी करने से परहेज रखा जाना चाहिए। वैसे भी कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसके संगठन में इंटरनल डेमोक्रेसी है, और हर कार्यकर्ता का नेता को अधिकार है कि वो अपनी बात को पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखें, ना कि सार्वजनिक बयान जारी करके और विरोधाभासी बयान जारी करके पार्टी के लिए दुविधा उत्पन्न करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लालचंद कटारिया जी जो है वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। ऐसे में जो बयान उन्होंने दिया उसके लिए उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी उसकी स्वयं स्पष्टीकरण देंगे। और हम ये समझते हैं कि इस समय कांग्रेस के प्रति बहुत उम्मीद से देश और विदेश की जनता देख रही है। वो चाहती कि कांग्रेस एक लक्ष्य को लेकर के राजकता से मुक्ति के लिए काम करे, और हम सब लोग जो पार्टी की रणनीति और पार्टी के कार्यक्रम उसको एकजुटता से एक मुखी होकर के संलग्न हो, ताकि पार्टी की जो अब तक की कवायद रही है, जो एकजुटता और हमारी जिस तरह से हमने कार्य प्रारंभ रखे उससे हमें आशातीत परिणाम मिले, भविष्य में भी इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे। इसलिए उन्होंने जिस प्रकार से दिशा निर्देशित किया उसको मैं समझती हूँ हर कांग्रेसजन को उसको मानना चाहिए, ताकि पार्टी के हित में सारे काम किए जा सकें।